देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ मुकमा खोबरी। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में अर्चना कुमारी है, जिनका प्रतिनिधित्व शत्रुघ्न कुमार कर रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि चांदपुर पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप पंचायत का नेतृत्व करें। मेरी धर्म पत्नी अर्चना कुमारी चांदपुर पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार के रूप में जनता की अदालत में हैं। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास होगा। देख रहे हैं आदर्श वादक टीवी, मैं हूं आलोक राज। बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। आगाज होने के साथ ही सभी प्रत्याशी ने अपना प्रचार प्रसार जोरों से शुरू कर दिया है। आज मैं भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत चांदपुर पंचायत आया हूं। यहां से मुखिया प्रत्याशी हैं अर्चना कुमारी जी। अर्चना कुमारी जी का प्रतिनिधि कर रहे हैं शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं और पंचायत की जनता का सेवा कर रहे हैं। दो टर्म वो मुखिया का चुनाव भी लड़े थे लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। आज हम शत्रुघ्न जी से बात करेंगे कि यहाँ की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट देके मुखिया बनाती है तो वो कौन कौन सा विकास का काम करेंगे, उनका रोड मैप क्या होगा, वो जनता का सेवा किस तरीके से करेंगे। शत्रुघ्न जी, आप कब से राजनीति में जुड़े हुए हैं? करीब 10 वर्ष पहले से, 10 वर्ष से मतलब राजनीति का काम, समाज सेवा का काम कर रहे हैं और इसमें सक्रिय मेरा भूमिका रहा है और आगे भी यदि जनता हमको इस बार मौका दे रही है, दो बार पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं उसमें सफलता हमको नहीं मिला अभी तक। यदि इस बार हमको मिल जाता है तो सभी तरह का योजना का लाभ जो है हम धरातल पर लाएंगे, चाहे शिक्षा का हो या सिंचाई का हो, गाँव में नल जल का हो, मतलब जितना भी सरकार के तरफ से योजना आता है वो सबको हम धरातल पर लाने का काम करेंगे और अपने निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करेंगे। अब प्राथमिकता आपका क्या रहेगा, अगर आप यहाँ की जनता आपको मुखिया बनाती है तो प्राथमिकता के आधार पर आप क्या क्या काम करेंगे अपने पंचायत में? आपको क्या ऐसा कौन सा ऐसा काम लगता है जो पंचायत में बहुत ज़रूरी है, अभी तक हुआ नहीं है? पंचायत में तो देखिए, पंचायत में तो सड़क हो, नली गली हो, सिंचाई का हो, स्वास्थ्य का हो, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का भी है, जो कि हमारे गांव में स्कूल में टीचर का कमी है, उस सब का भी काम करेंगे, प्रयास करेंगे हर चीज़ करने का। यही प्राथमिकता मेरा रहेगा। या प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों को दिलाने का काम करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा घोटाला होता है, बहुत बड़ा, लोग बोलते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास में नाम आता है तो मुखिया 20,000-25,000 लेने का काम करते हैं, क्या आपके रीजन में भी ऐसा होगा? मेरे रीजन में ऐसा नहीं होगा। आगे क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम आएंगे तो हम अपने तरीके से अपना पंचायत को उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। हम अपने तरीके से उसमें जनता का सेवा करेंगे, उसमें चाहेंगे कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? अपील करना चाहेंगे कि मतलब दो बार तो हम चुनाव पहले लड़ चुके हैं, तीसरी बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार हमको जनता को मौका देना चाहिए ताकि हम पंचायत का विकास बढ़िया से कर सकें, जो कि प्रखंड स्तर से हो या जिला लेवल पे मेरे पंचायत का नाम हो जी। तो ये थे शत्रुघ्न कुमार जी। शत्रुघ्न कुमार जी ने बताया कि मैं विगत 10 वर्षों से समाज सेवी का काम कर रहा हूँ और हमारे पंचायत में बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी तक जो भी मुखिया बने उन्होंने करने का काम नहीं किया है। अगर यहाँ की जनता हमको मौका देती है तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने 5 साल के शासनकाल में मैं चाहे वो सड़क का काम हो, नल जल का काम हो, सिंचाई का काम हो, शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, हर एक तरीके से मैं एक विकसित पंचायत बनाऊंगा और अपने पंचायत को अपने प्रखंड लेवल पे, जिले लेवल पे एक अच्छा नाम दूंगा और एक अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। मैं आलोक राज, आदर्श वादक टीवी, भागलपुर। फिलहाल तो इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।